हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन क्रिस्पी रेसिपी, जो कि आप फ्राई चिकन बना सकते हैं। ये मेरी मम्मी की रेसिपी है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको 1 kg चिकन ले लेना है, उसको अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है पानी में डाल के। फिर अब हम लोग उसके अंदर डालेंगे लेमन। इसको हम लोग पहले 1 घंटे के लिए रखेंगे, ठीक है। इसके अंदर मैंने 1 लेमन डाल दी हूँ। अब अगर आपको चाहिए तो 1 से 2 डाल सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। फिर अब मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ 1 चम्मच नमक, ठीक है। तो नमक डाल के हम लोग इसको मिक्स करेंगे और इसको रख देंगे। दोस्तों, ये जो रेसिपी है मैं आपके साथ पहली बार शेयर कर रही हूँ। इससे पहले भी मैंने फ्राई चिकन की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। अब हम लोग इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला, यानी अदरक लहसुन मिर्ची, ठीक है। आपको ये डाल के ना पीस लेना है, ठीक है। अब हम लोग निकालने वाले हैं जो हमारा जो चिकन था, उसको 1 घंटा हो चुका है। इसके अंदर हम लोग डालेंगे हल्दी, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला और नमक, ठीक है। अब हम लोग इसके अंदर डाल के इसको मिक्स करेंगे। अगर आपके पास चाट मसाला है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे ली हूँ बेसन रवा कॉर्नफ्लावर, ठीक है। अब हम लोग इसके अंदर डाल देंगे सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके। अब हम लोग इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैं स्पेशली ऐड कर रही हूँ रवा। रवा की वजह से वो क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा होगा। अब मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ चाट मसाला। आपके ऊपर है, अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है तो आप भी इसको डाल सकते हैं, ठीक है। अब हमें इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब इसके अंदर मैंने डाल दी हूँ दही। दही डालने के बाद आपको इसके अंदर डालना है आपने जो अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट लिया था, उसको ऐड कर देना है। दोस्तों, ये रेसिपी जो मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही स्पाइसी बनने वाली है और बहुत ही क्रिस्पी बनने वाली है। अब मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ फूड कलर। अब मैं इसके अंदर डालूँगी हींग, ठीक है। आप इसके अंदर हींग का पाउडर डाल सकते हैं। फिर आपको इसके अंदर डालना है लेमन का जूस, ठीक है। दोस्तों, अगर आपका हाथ जलता है मिक्स करने से तो आप इसको किसी दूसरे से करवा लीजिए। मेरा हाथ बहुत ज़्यादा जलता है जब मैं मिक्स करती हूँ तो, ठीक। अब लेमन डालने के बाद आपको इसके अंदर डालना है सेजवान सॉस, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं मार्केट में अवेलेबल मिल जाती है। ये एक अलग सा टेस्ट देगा और बहुत ही अलग सी खुशबू देगा। तो ये मैं मिक्स कर रही हूँ, अच्छे तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए। और आपको यहाँ पर मिलने वाली है मेहंदी की डिज़ाइंस, मेकअप के वीडियोज़ और साथ में फूड की रेसिपीज, ठीक है। तो एक वुमेन के लिए, एक गर्ल के लिए ये 3 वीडियो अगर आपको एक चैनल पर मिलता है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आप फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपको इसको मिक्स करके ना रख देना है, कम से कम 45 मिनट्स के लिए आपको रख देना है। अब यहाँ पे मेरे 45 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं इसको ओपन करने जा रही हूँ, जो इसके अंदर ये बहुत अच्छे तरीके से मैग्नेट हो चुका है। अब आप देख सकते हैं, अब हम लोग इसको करने वाले हैं फ्राई, ओके। इसके अंदर थोड़ा फूड कलर अगर आपको ऐसा लगे कम है तो आप डाल सकते हैं। फिर आपको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ठीक है। दोस्तों, मेरा हाथ बहुत ज़्यादा जल रहा है क्योंकि मैं ज़्यादा अगर मसाले वाला सामान छू लेती हूँ ना, तो उसकी वजह से भी मेरे हाथ में जलन चालू हो जाती है, ठीक है। अब ये हो चुका है रेडी। अब अगर आपको लगे कि इसके अंदर नमक कम है तो आप इसके अंदर थोड़ा और नमक ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। और अगर आपको चाहिए तो आप रेड चिल्ली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब ये हमारा जो पेस्ट है ये पूरा तैयार हो चुका है, अच्छे तरीके से आपको कर लेना है, ठीक है। अब हम लोग चढ़ाने वाले हैं कढ़ाई। कढ़ाई चढ़ाना है, फिर इसके अंदर आपको डालना है तेल। तेल कम से कम 1/4 किलो तो होना ही चाहिए। अब आप देख सकते हैं जो मेरा तेल है गर्म हो चुका है। अब मैं इसको ईजिली फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पीस आपको डालना है स्लो करके, ठीक है। स्लो करने पर अगर आप पकाते हैं तो आपका जो चिकन फ्राई है बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से अंदर तक पकेगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिसमें आपको मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आपको इसे स्लो और मीडियम लो फ्लेम में पकाना है, जिसमें अच्छे तरीके से पक जाए। इसे हमें स्लो और मीडियम फ्लेम पे पकाना है, जिसकी वजह से ये क्रिस्पी और अंदर से एकदम अच्छी तरीके से पक जाए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो और मेरा जो रेसिपी पसंद आया हो तो अगर आप
फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यहाँ पे आपको ऑनलाइन ब्यूटी टिप्स, मेकअप प्रोडक्ट रिव्यू, साथ में मेहंदी डिजाइंस और फूड के रेसिपीज मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा है। दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये हमारा जो चिकन फ्राई है बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। अगर आपको चाहिए तो आप इसके साथ सेजवान सॉस के साथ भी खा सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं, साथ में आप टमाटो केचप के साथ भी खा सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा यमी था, और मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके की यहाँ पे चटनी मैंने रखी हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू सो मच।